डर का सामना डर से, हमें बहुत सारी चीजों को बहुत अलग वे में देखते हैं, लाइक अरे उसको इंग्लिश नहीं आती, अरे उसने ऐसे प्रोनाउंस किया इस वर्ड को, बट ग्रामर गलत हो गया तो, प्रोनाउंस गलत कर दिया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो. वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल. तो कैसे हैं आप सभी. हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि हम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें. हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. तो ये डर जो होता है ना यार, मुझे इंग्लिश में बोलना है, ये हर किसी को होता है, कोई माने या ना माने. टिल द टाइम यू डोंट थिंक इन इंग्लिश आपको ये डर बना रहेगा, क्योंकि हम सब लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं हम लोगों की मदर टंग में, बट वेन इट कम्स टू एनी अदर लैंग्वेज वी गेट दैट हेजिटेशन. वो बहुत ज्यादा कॉमन है. आप ऐसा बिल्कुल भी मत फील कीजिए कि इट जस्ट हैपनिंग विथ यू, बट इट हैपन्स विथ एवरीवन. सो हियर इज माई स्टोरी कि मैं इंग्लिश से कितना डरती थी, मैं इंग्लिश कैसे बोलना सीखी, और अब मैं इंग्लिश में कैसे मैनेज करती हूँ, और अब मुझे इंग्लिश से डर आखिर क्यों नहीं लगता. तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सब चीजों के आंसर, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मेरी मदर टंग हिंदी है. मैं जब भी हिंदी बोलती हूँ बहुत आराम से बोल पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे इंग्लिश में बोलना होता है मेरे को डर लगने लग जाता है. मेरा माइंड, अरे ग्रामर गलत हो गया तो, प्रोनाउंस गलत कर दिया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, मतलब थाउजेंड ऑफ थॉट्स ऐसे ही आ जाते हैं कि अब मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा. ओ माय गॉड. बट द फैक्ट इज, आपको इंग्लिश से अगर डर निकालना है तो आपको उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो अगर मैं आपको अपनी ही खुद की कहानी बताऊं, तो मैं हमेशा से हिंदी डिबेटर रही हूँ. मैंने हमेशा हिंदी एसेज लिखे हैं, मैं हमेशा हिंदी में बातें किया करती थी. तो मेरी ये कहानी लगभग 12th क्लास तक चली. मतलब मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट करूं. ठीक है, जब मैं कॉलेज गई, मैंने एक हैदराबाद के कॉलेज से अपना डिग्री किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इंग्लिश की क्या वैल्यू है. बिकॉज मुझे उधर तेलुगु समझ नहीं आती थी, मेरे साथ जो भी बच्चे थे वो तेलुगु में बात किया करते थे, और मेरे को हिंदी समझ में आया करती थी, लेकिन हिंदी वाले बच्चे जो बोलते थे वो बहुत कम थे जो हिंदी में बातें किया करते थे. तो इधर आती है एक प्रॉब्लम, अगर मेरे को इन लोगों से कम्युनिकेट करना है तो मैं कौन से लैंग्वेज में करूँ. इट जस्ट द इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश मुझे समझ में आती है पर मुझे बोलनी नहीं आती है ना. अगर मैं बोलूंगी नहीं तो ना समझ में नहीं आएगी, तो अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा अगर मुझे उनके साथ कम्युनिकेट करना है. बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू कैन स्टे विद योर फ्रेंड्स. आपको पता है कॉलेज में कैसा होता है, आप लोग के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट विद सम अदर पर्सन. और अगर आपको कॉलेज लाइफ में ग्रो करना है, या फिर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना है, तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है. मुझे ये चीज समझ आ गई थी. तो उधर से शुरू होते हैं मेरे एफर्ट्स. सबसे पहला एफर्ट जो मैंने खुद के लिए डाला वो यही था कि मैं सबसे पहले ट्राई करती थी कि मैं धीरे धीरे, भले ही अच्छा बोलू, गलत बोलू, कितना भी गलत बोलू, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. धीरे धीरे जब मैंने लोगों से इंग्लिश में बातें करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ. जैसे वो बोलते हैं मैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करती थी. ओ दिस पर्सन इज सेइंग लाइक दिस, ही और शी इज प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड लाइक दिस, तो थोड़ा बहुत बेटर होती गई चीजें. फिर मैंने ये सब चीजें मिरर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. आई यूज टू प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स ऑन अ गिवन टॉपिक जो मैं खुद को देती थी, और उसके ऊपर मैं मिरर टॉकिंग किया करती थी. दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव वेज जिसकी वजह से मुझे लगता है आई कुड एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग एंड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. थर्ड, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मेक श्योर करना है कि आप जिस लैंग्वेज से डर रहे हो आप उसी लैंग्वेज के बेस्ट लोगों के साथ रहो. नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो मैंने क्या किया था, इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी, टोस्ट मास्टर्स क्लब टाइप, ये वाली चीज ज्वाइन की थी. तो इधर फायदा क्या होता है, आप जैसे ही टोस्ट मास्टर क्लब या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, ये लोग आपको ट्रेन करते हैं एग्जैक्टली कि आप क्या गलती कर रहे हो. और उधर मैं जैसे लोगों को सुनती थी बातें करते हुए, तो मैं देखती थी कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ. हियर कम्स माय अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग. तो आप भी अगर चाहो तो ये वाली चीज सीख सकते हैं. फोर, डर का सामना डर से. मैंने डिबेटिंग कॉम्पिटिशन इन इंग्लिश में पार्टिसिपेट किया, जहां पे मेरे को इंग्लिश में डिबेट करनी थी. ठीक है, अब कॉन्फिडेंस तो था, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, पर इंग्लिश, बाप रे, मतलब बोल तो लेंगे इतना पता है, पर इंग्लिश में बोलना है भाई साहब, डर के मारे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलें.
मेरे कॉन्फिडेंस ने मेरा साथ दिया और जो भी मुझे बोलना था मैंने उसको बहुत प्यार से आराम से अपने जजेस को समझाने की कोशिश की एंड हियर कम्स माय रिवॉर्ड पॉइंट, मेरे को सेकंड प्राइज मिला। तब से जब से मेरे को सेकंड प्राइज मिला और मेरे को बिलीव आया कि मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज तो आप धीरे धीरे ठीक कर ही लोगे, इट्स ऑलवेज अबाउट द थॉट प्रोसेस। जब से मैंने इंग्लिश में चीजें सोचना शुरू किया, जब से मेरे को ऑटोमेटिकली वर्ड्स इंग्लिश में समझ में आने लग गए, तब से मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सुधर गई। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन इट इज योर अपॉर्चुनिटी, देन इट इज योर कॉल टू मेक श्योर दैट आप इंग्लिश में धीरे धीरे बातें करना शुरू कीजिए, आप धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश कीजिए। एंड इंग्लिश शुड नॉट बी अ बैरियर, वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। आपके थॉट्स आप अपने बॉडी लैंग्वेज प्लस दूसरे फैक्टर्स से भी बताते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी बॉडी भी वही सेम चीज को कन्वे करना चाहे जो आप अपने इस मीडियम इंग्लिश के थ्रू करना चाहते हैं। लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू से इंग्लिश जस्ट इज अ लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को बहुत अलग वे में देखते हैं, लाइक अरे उसको इंग्लिश नहीं आती, अरे उसने ऐसे प्रोनाउंस किया इस वर्ड को, बट सी डैट पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज तो इंग्लिश है, अग्रीड, बट सबकी नेटिव लैंग्वेज वो नहीं है, राइट। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, बट इतना ज्यादा कभी भी उसका सीन नहीं बनाया जाता फॉरेन कंट्रीज में जितना कि इंडिया में बनाया जाता है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसके बाद मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था एक MNC कंपनी में, जहां पे मुझे सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता था अपने क्लाइंट्स के साथ, सारे के सारे क्लाइंट्स USA बेस्ड थे। तो मैंने जब ये चीज देखी कि मैं इंग्लिश में मैनेज कर पा रही हूँ, मैं जो बोलना चाह रही हूँ उन्हें समझ में आ रहा है, जब वो बोलना चाह रहा है मुझे समझ में आ रहा है, तो दिक्कत क्या है? It's okay if you're not pronouncing it well. It's okay if your grammar is not perfect. Eventually it will be. But it takes all that first courage, jab the courage which you take. It is the fear to fear conversation which you do for your own self. Matlab dar ka samna dar se hi hota hai. Aap dar ke samne jaake khade honge tabhi aap us cheez se aage badhenge. So yeah, here is my story. Agar aapke bhi paas koi amazing tips hai jisse aapne apni English improve ki ho, to please comment down below. Thank you for watching it and सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू।